मुंबई जो है वो महानगरी है, आर्थिक राजधानी है, लेकिन इसके एयरपोर्ट के नीचे ही इतनी बड़ी झोपड़पट्टी है कि पूरी दुनिया में ऐसी झोपड़पट्टी आपको नहीं दिखेगी। उस पागलखाने में भी जाऊँ, देखता हूँ वहाँ पे रियल लोग कुछ मिले जो कि सचमुच में आई लाइक इट बोले। मेरे अंदर बंदर वाली फीलिंग आ रही है कि बरेली और राय बरेली में फर्क क्या है। प्लीज सिट 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 प्लीज मैडम सर प्लीज सिट एक्सक्यूज मी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी बरेली जा रहा हूँ एक फिल्म की शूटिंग के लिए जिसका नाम है चक्कर घिन्नी। और चक्कर घिन्नी की शूटिंग के लिए मैं अभी बरेली जा रहा हूँ। अभी मुंबई की फ्लाइट में बैठा हूँ, मुंबई में हूँ अभी यहाँ से बरेली। और पहली बार मैंने इस तरह का मास्क पहना है, पूरा एकदम बंदर जैसा फीलिंग आ रहा है। मेरे अंदर बंदर वाली फीलिंग आ रही है। तो अब देखते हैं कि बरेली में कितने बंदर मिलते हैं, मेरा मतलब है कितने दोस्त मिलते हैं। अभी किसी ने मेरे सर पे वेट मार दिया ढक करके। ये इंडिया की फ्लाइट है, ये यूरोप की फ्लाइट नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, लोग मारा मारी करेंगे। जैसे ही प्लेन जो है वो नीचे लैंड करेगा सब सीट बेल्ट खोल के खड़े हो जाएंगे और जितनी भी एयर होस्टेस है सब बोलेंगे प्लीज सिट 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 प्लीज मैडम सर प्लीज सिट एक्सक्यूज मी। यही सब चलेगा। जय हो इंडिया की। एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, पूरा स्लम दिखेगा आपको। मुंबई का एयरपोर्ट जो है यहाँ पर झोपड़पट्टी है, ये दिखेगा फ्लाइट है और पूरी झोपड़पट्टी देखिए आप। क्या है कि पहला ऐसा देश है, मुंबई जो है वो महानगरी है, आर्थिक राजधानी है, लेकिन इसके एयरपोर्ट के नीचे ही इतनी बड़ी झोपड़पट्टी है कि पूरी दुनिया में ऐसी झोपड़पट्टी आपको नहीं दिखेगी। मैंने तो झोपड़पट्टी के लिए ये एयरपोर्ट बहुत फेमस है। और अभी तक ये फ्लाइट चली नहीं, लगभग 1.25 घंटा हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद पायलट भाई जो हैं उनको सुसु वगैरह लग गया होगा, तो वो थोड़ा सा निपटने गए हैं। तो वो जब आएंगे तब चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक हम ऐसे ही रिक्शे की तरह चलते हैं और हवा में कब उड़ते हैं, उड़ान कब भरते हैं। 1.25 घंटा तो हो चुका है बरेली की इस फ्लाइट को। तो वैसे आपको पता होगा राय बरेली में बहुत ही मशहूर पागलखाना भी है। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मौका मिला उस पागलखाने में भी जाऊं, देखता हूं वहां पे रियल लोग कुछ मिले जो कि सचमुच में आई लाइक इट बोले, वो भी एक पता चलेगा। पहले वो पागलखाना आगरा में हुआ करता था, अब बरसों पहले वो पागलखाना शिफ्ट कर दिया गया राय बरेली में। तो अच्छा हाँ, एक और बात आप लोग कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि बरेली और राय बरेली में फ़र्क क्या है, ये मुझे जानना है। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि जो बरेली है उसी को राय बरेली भी कहते हैं क्या। तो आप लोग ज़रा कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। मैं जब भी दाबेली खाता हूँ मुझे हमेशा बरेली और राय बरेली की याद आती है। दाबेली आपने कभी खाई है? दाबेली मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिश है, जैसे कि वड़ा पाव है और वैसे ही उसी टाइप का ब्रेड में अच्छे से बनाते हैं। उसमें बहुत सारा वो अनार वगैरह भी डालते हैं, अनार मीठा और खट्टा बड़ा अच्छा रहता है। तो कभी मुंबई वासी तो जानते ही होंगे इस बात को। आप लोग जो लोग मुंबई कभी नहीं आए हैं, अगर आप मुंबई आएँ तो मुंबई की दाबेली भी ज़रूर खाएँ। वड़ा पाव तो यहाँ का फेमस है ही, लेकिन दाबेली भी कमाल की चीज़ है जो कि बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट। दाबेली खाएँ दबा के। बहुत वैरायटी है मुंबई में,
हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हर प्रांत के लोग, हर तरह के लोग, हर प्रोफेशन के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। और मुंबई में ही ऐसी भी जगह हैं जहाँ आप चले जाओगे तो आपको लगेगा कि आप इंग्लैंड आ गए। यह अलग बात है कि उतनी साफ सुथरी जगह नहीं है, यानी फोर्ट साइड में अगर हम जाते हैं टाउन साइड में तो उतनी साफ सुथरी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल का है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही उसको बनाया था। जो फोर्ट एरिया है पूरा, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया है। तो अगर आप कभी लंदन जाने का आपका मन है, लंदन नहीं जा पा रहे हैं, और आप अगर मुंबई आ गए तो फोर्ट चले जाइए, वहाँ पे आपको एक वो फील आ जाएगा, लंदन वाला फील आ जाएगा। और डेवलपमेंट बहुत हो रहा है पूरे देश में ही हो रहा है, मुंबई में क्योंकि मैं रहता हूँ तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि 5 साल बाद मुंबई का नक्शा बदल जाएगा, मुंबई बिल्कुल अलग दिखेगी आपको। फिलहाल ये प्लेन जो है अभी तक नहीं चली है, और कुछ अलग प्रॉब्लम लग रही है मुझे इस प्लेन में। चलिए देखते हैं दोस्तों। मैंने अभी अभी यहाँ भी अभी भी चली नहीं है, लेकिन मुझे अभी बहुत अच्छा कचरा दिखा है, वो देखिए कचरा देखिए। ये देखिए ये कचरा देख रहे हैं, ये कचरे का पूरा ढेर है। बहुत बढ़िया झोपड़पट्टी है यहाँ, बहुत बढ़िया झोपड़पट्टी दिख रही है इधर, वो सब पूरा कचरा पट्टी है इधर। अब देखिए अब ये तेजी पट्टी है, और ये हम चले बरेली की तरफ। बरेली से वापस आकर मुंबई में खाऊंगा दाबेली। बरेली में बस बहुत बढ़िया फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ, चक्कर घिन्नी, बहुत मजा आएगा दोस्तों, है ना। और ये देखिए अब ये उड़ने वाला है मेरा जहाज, हवाई जहाज। और ये देखिए अब मुंबई दिखना शुरू हो गई है, बहुत भीड़ भाड़, जबरदस्त ट्रैफिक रहती है मुंबई में, पूरा जाम लगा रहता है, गाड़ियां ठोकती रहती हैं, दूसरे को गालियां देते रहते हैं लोग, लेकिन बहुत मददगार रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कभी भी ट्रैफिक जाम होता है तो इंसान बाहर निकल के खुद ही ट्रैफिक का कांस्टेबल बन जाता है, ट्रैफिक हवलदार बन जाता है और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। मुंबई के बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे ये लोग, आई लव देम। मिलते हैं बरेली में।